Often we hear people saying that women are really bad drivers and they shouldn't be driving. But क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे देश में आज सबसे बड़ा इशू है कोई तो वो एक रेप का इशू है जो कि रॉबरी जैसे छोटे से क्राइम से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। उस हिसाब से तो हमें इन मर्दों का सड़क पर चलना ही बंद करवा देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारी मर्दानी यानी कि रानी मुखर्जी कहती हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय पीओवी। मैं हूं तृप्ति और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मर्दानी 2 की। As the name suggests, this film is women-oriented and it is based on multiple issues around women in society, but the main issue is the rape. वैसे तो ये कहानी किसी भी शहर की हो सकती है, पर इस फिल्म में इस कहानी को कोटा शहर में दर्शाया गया है। एक माइनर साइकोटिक किलर मेरठ शहर से कोटा तक आता है अपने काम की तलाश में, और उसका काम होता है लोगों का मर्डर करना। लेकिन इस काम के साथ साथ उसकी एक हॉबी भी होती है, या यूँ कहिए उसका एक पैशन होता है, और वो ये होता है कि वो अपने पसंद की लड़कियों को किडनैप करता है, उनका रेप करता है और बहुत ही बुरी तरह उनका मर्डर करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली डोमिनेटिंग एंड बोल्ड गर्ल्स आर हिज चॉइस। शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में एसपी का रोल किया है जो कि इस क्रिमिनल को पकड़ना चाहती हैं, और वो मीडिया में खुलेआम ये अनाउंस कर देती हैं कि वो इस साइकोटिक किलर को कॉलर से पकड़कर कोर्ट में घसीट कर लेके आएंगी, जिससे उस किलर की ईगो हर्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, उस किलर की चॉइस होती है बोल्ड एंड डोमिनेटिंग गर्ल्स। द नेक्स्ट चॉइस इज डेफिनेटली रानी मुखर्जी इन द फिल्म। द फिल्म इज नॉट ओनली अबाउट दिस, बट इट ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में आज भी इतनी तरक्की होने के बावजूद भी ये मानना है कि अगर औरत सक्सेसफुल हो जाए तो वो एरोगेंट हो जाती है, और कोई भी आदमी अपने से ऊपर एक औरत को देखना ही नहीं चाहता। फिल्म की कहानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वी कैन वेरी वेल रिलेट विद द करंट इशूज़ इन आर सोसाइटी। वो चाहे निर्भया रही हो या हमारी प्रियंका रेड्डी, अनफॉर्चुनेटली ये कहानी बार बार हमारे समाज में रिपीट होती ही जा रही है। फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और स्पेशली रानी मुखर्जी के डायलॉग्स तो बहुत ही हार्ड हिटिंग हैं। रानी अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल ही जीत लेती हैं। द फिल्म इज अबाउट अ चेज बिटवीन रानी मुखर्जी एंड द क्रिमिनल एंड हाउ शी कैचेज हिम इन द एंड, बट दिस फिल्म इज ऑल्सो मच मच मोर बियॉन्ड दैट। फिल्म की स्टोरी ही नहीं बल्कि लेंथ को भी काफ़ी ध्यान में रखा गया है। Very crisp narration and smooth execution. The screenplay is so engaging that you feel totally involved into the film till the end. Chahe wo starting ka hi scene kyun na ho, jisme crime establish hota hai aur aapki aankhon mein aansu aa jate hain, aur ya fir wo end ka scene kyun na ho jisme wo criminal finally rani ke haath mein aata hai aur wo usko maarna shuru karti hain. Dil karta hai आप भी उसको साथ में उठकर मारना शुरू कर दो। द फिल्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट पुअर लॉ एंड ऑर्डर इन आर नेशन। नो मैटर हाउ डेवलप्ड वी आर एज अ कंट्री, बट वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट ऑन आर सिस्टम टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर नेशन। फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फिल्म, इंस्टेड ऑफ कंक्लूडिंग टू टेलिंग आर गर्ल्स टू बी सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी मस्ट स्टार्ट टेलिंग आर बॉयज टू बिकम सॉफ्ट, सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वीमेन। आई स्ट्रॉन्ग recommend everyone to watch this film and to understand the need of the hour. If you agree with my POV, please let me know on the comment below the video. If you do not agree with my POV, then also please remember to share your thoughts with me. Share, subscribe and like to the video.